चमन समेत शमाल बलोचिस्तान में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला थम चुका है। चमन शहर और मजाफात में तूफानी बारिशों से बड़े पैमाने पर तबाही, कच्चे मकानात मुनहदम, तोबा अचक सही के मुख्तलिफ देहात के रास्ते ताहाल बंद पड़े हैं। बड़ी आबादी महसूर होकर रह गई है। अब्दुल बासित अचक सही की रिपोर्ट। चमन समेत शमाली बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला थम गया, लेकिन सर्दी का राज बरकरार है। बर्फबारी से तोबा अचकजे और तोबा काकड़ी के देहात में राबिता सड़के ताहाल बंद, हजारों अफराद मैसूर हो गए, इंतजामिया शाहराहे खोलने में मसरूफ। चमन शहर और गिरदनवा में हालिया तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाबी पानी 100 से ज्यादा घरों में दाखिल, मुतादद कच्चे मकानात मुनहदम, कई मकानात की छतें गिर गई, जिसके बहस दो अपराध जाम बाग, 5 अपराध जख्मी हो गए। मुतासरीन के लिए पीडीएमए की जानिब से डिप्टी कमिश्नर ने राशन और इमदादी सामान तकसीम किया गया। गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें इमदाद मिली थी, हमने उनके घरों में खेमे पहुंचाए ताकि उनको अल्टरनेटिव जगह मिले। मुतासरीन ने कुछ इमदादी सामान मिलने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें मजीद सामान की अशद जरूरत है। हमारे घर की छत है, दीवारें गिर गई है, फिलहाल तो हमें ये सामान मिले। मेरा मुतालबा ये है कि हमें टेंट और खेमे वगैरह मिल जाए। मुतासरीन के लिए पाक फौज और पाकिस्तान रेड क्रेसेंट की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में फ्री मेडिकल कैंप लगाए गए और राशन पैकेज भी तकसीम किए गए। कैमरामैन अब्दुल हमीद के साथ अब्दुल बासित चकजई, न्यू न्यूज चमन।